हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम एक केक बना रहे हैं और बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो सबसे पहले हमें चाहिए बटर। मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ बटर लिया है। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ दही मिलाया है। फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम 1 कप मैदा डालेंगे और 1/2 कप पिसी हुई शक्कर। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालने से हमें हमारी कंसिस्टेंसी का मालूम रहेगा, जिससे बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा। दूध डालने के बाद अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे कि हमारा बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हमने इसमें थोड़ा सा और दूध मिलाया है। जैसे कि अभी हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है, तो हमें और दूध बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। इसको अच्छे से फेंटना है। अब इसके अंदर हमें बेकिंग पाउडर डालना है। मैंने 1/2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद हम मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा 1/2 टीस्पून डालना है। और फिर वनीला एसेंस की 10 से 15 ड्रॉप्स हमको इसके अंदर डालनी है। मैंने बैटर के अंदर ग्रीन फूड कलर ऐड किया है, जिससे हमारा केक सुंदर दिखे अंदर से। तो ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना नहीं डालें तो भी चल जाएगा। अब हमको बैटर को अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। मुझे बैटर में थोड़ा सा कलर कम लगा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर और ऐड कर दिया है। जब बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए, हम उसको 5 से 10 मिनट अगर साइड में रखें तो केक और अच्छे से फूल जाएगा। पर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको बेक करने के लिए रख सकते हैं। अब हम जिस भी बर्तन में केक बनाएंगे, उस बर्तन के ऊपर अच्छे से घी, बटर या फिर तेल में से कुछ लगा लें, जिससे केक नीचे चिपके ना। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और उसको अच्छे से पूरे बर्तन के ऊपर लगा लेंगे। फिर इसके अंदर हम बैटर डाल देंगे। मैंने केक को ओवन में 30 से 35 मिनट तक के लिए पकाया। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। जैसा कि हमारा केक तैयार हो गया है, हमने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा। फिर हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया। मैंने इसको बीच में से काट लिया, जिससे इसके 2 स्लाइस हो गए। अब मैंने केक के अंदर शक्कर का पानी मिलाया है, जिससे केक अंदर से सूखा ना लगे। फिर मैंने दूसरा बैटर बनाया सेम उसी तरीके से, और इसमें कलर मैंने रेड डाल दिया है। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मैंने कलर के डिफरेंस इसलिए रखे हैं, जिससे ये केक अंदर से कटने पर सुंदर दिखे।
केक को भी मैंने 30 से 35 मिनट तक के लिए पकाया और फिर इसको एक बर्तन में निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर शक्कर का पानी ऐड किया। इस केक को भी मैंने दो हिस्सों में कट किया है। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे, तो सबसे पहले एक प्लेट के ऊपर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगा दें जिससे केक नीचे ना चिपके। उसके बाद मैंने सबसे पहला बेस रखा केक का और उसके ऊपर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगाई। आपको व्हिप्ड क्रीम कहीं भी बाजार में आसानी से मिल जाएगी। फिर व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से पूरे केक के ऊपर लगा लें। फिर केक के दूसरे स्लाइस को उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर भी व्हिप्ड क्रीम को लगा लें और फिर व्हिप्ड क्रीम इसके ऊपर भी अच्छे से फैला के लगा दें। अब तीसरा स्लाइस इसके ऊपर रख के इसके ऊपर भी अच्छे से व्हिप्ड क्रीम लगा लें। सेम प्रोसेस हमको लास्ट फोर्थ स्लाइस के ऊपर करना है, उसके ऊपर भी अच्छे से व्हिप्ड क्रीम लगानी है। इसके ऊपर हम ज़्यादा क्रीम लगाएंगे जिससे वो ऊपर से सुंदर दिखे। क्रीम को साइड में भी लगाएंगे क्योंकि हमको केक को अब पूरा क्रीम के अंदर कवर करना है। जब पूरा केक क्रीम से कवर हो जाए तो आप दूसरी क्रीम के अंदर फूड कलर मिला लीजिए। मैंने जैसे कि पिंक और ग्रीन फूड कलर मिलाया है और फिर मैंने उसी कलर के फ्लावर्स केक के ऊपर बनाए हैं। आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ नोजल्स का ध्यान रखना होगा कि जिस तरह के आपको फ्लावर्स बनाने हैं, जिस तरह का डेकोरेशन करना है, आप उस तरह के ही नोजल्स लेकर आएं। मैंने केक के बीच में चॉको चिप्स डाले हैं। आप चाहे तो उसके बीच में टूटी फ्रूटी या चॉकलेट स्प्रिंकल्स या जिस भी तरह का डेकोरेशन आपको पसंद है आप वैसा डाल सकते हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस के बारे में मुझे नीचे दिए गए हुए कमेंट सेक्शन में बताएं।